सुकून चाहिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। कहीं भी आप पी लो पानी ना, ज्यादा हार्ड है यहाँ का पानी। अच्छा। आपको भूख और लगेगी, जितना पानी पियेंगे ना आप एक्स्ट्रा खाएंगे। अच्छा। यहाँ पे ऐसा होता है। देखो जी को देखो जी को, तुम तो छोटे छोटे बाबू आए हैं, सब सब कपड़े पहन के आए थे सर। तो फ्रेंड हम यहाँ से कपड़े लेंगे, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पर बर्फ में जाने के लिए कपड़े लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आप वहाँ बर्फ खेले या ना खेले, वहाँ पर चलने के लिए आपको इन कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होगी, तो ये लेना ही पड़ता है। रेंट से मिलते हैं तो मैं पहन के दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए हम तैयार हो गए हैं और बर्फ पे जाना है। देख चिकू, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे बेटे ने भी, ये देख सकते हैं। ग्लव्स और मुझे और इसमें वापस नहीं चाहते, मतलब हाँ आपको वापस देनी होती है। आने का टाइम, अच्छा टाइम, समर में आप आओगे ना, मतलब भीड़ इतना ज्यादा होगा। अच्छा। कुछ चीजें आप देख भी नहीं पाओगे, तो आपको लगेगा मनाली में कुछ आई है। तो सीजन क्या रहता है यहाँ पर? अच्छा, पूरा वाइट होता है ना, रात को लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं मनाली में आते हैं और हमें बर्फ मिली थी, हमें तो इतनी बर्फ मिली थी कि इससे पहले स्नोफॉल भी हुआ था और वो भी देखने को मिला था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रोहतांग जा रहे हैं हम लोग शिशु, वहाँ पर हम बर्फ खेलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है तो बेहद खूबसूरत है। जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और वो आपको इस वीडियो में दिखेंगे, तो प्लीज़ उन्हें भी प्यार दीजिएगा और जब भी जाइएगा उनसे ज़रूर मिलिएगा। और आप देख सकते हैं एकदम वाइट है, वाइट बर्फ है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि छूटों की तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी लग रही है ना, उसको पता चल रहा है चीकू कहाँ घुसे हुए हो, ठंडी लग रही है, गुस्सा हुआ है। वो पहनता नहीं मोजा टोपा, तो एक चीज़ तो थी, बेबी को लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी मुश्किलें तो आपको आएंगी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि छोटे बेबी वहाँ पर जो दूध पीने वाले, मतलब एक डेढ़ साल के जो बच्चे हैं, जो मतलब अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं और बॉटल से पीते, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो दूध पियेंगे नहीं, क्योंकि मेरा बेबी वहाँ गया था बिल्कुल भी दूध नहीं पिया। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार जगह, कितनी सुंदर यार, प्रकृति की सुंदरता आप देखो यार, सच में ब्यूटीफुल, मेरा तो दिल खुश हो गया। और नहीं पिया मेरे बेटे ने बिल्कुल भी दूध, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ, मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड, और ये शिशु है। और रोहतांग आगे, रोहतांग को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा हुई है। और ये देखिए यहाँ पर जब इतनी बर्फ़ है, इतनी खूबसूरत, तो वहाँ कितनी बर्फ होगी। तो हम शिशु में हैं और फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल जगह आ गए हैं। और वो जो येलो टी शर्ट में है, येलो जैकेट में है, वो हमारे भैया हैं जिन जो हमें यहाँ तक ले के आए हैं। ये देखिए पूरा पहाड़ पर, पूरा पहाड़ मतलब बर्फ से ढका हुआ है पूरा पहाड़। देखिए चल रहे ना तो आधे आधे पैर धस जा रहे। और यहाँ की बर्फ बहुत सॉफ्ट टाइप में, ऐसा नहीं कि हार्डली है, मतलब जैसे नमक उठाते हो ना वैसे, ये देखिए ऐसी बर्फ है।
यहाँ पर मैंने बहुत इन्जॉय किया और देखिए मैं पूरी थकी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो और हमारी मतलब पूरी ट्रिप आप मैं बता दूँ, कुछ लोग पूछेंगे कि कितने की पड़ी, तो देखो आई थिंक मेरी पूरी ट्रिप 35 की पड़ गई है, क्योंकि बेबी को भी लेके आए थे। और आप अपने तरीके से इंजॉय करते, तो आपको अपने तरीके से लगता है, हमें अपने तरीके से लगा, तो मैंने वो देखो शिशु थोड़ा परेशान कर दिया वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, पर वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक यू आपको कहना चाहती हूँ, थैंक यू भैया को भी कहना चाहती हूँ, बहुत सपोर्ट किया भैया ने। और भैया थोड़ा कैमरा आप ही दो दीजिए। तो ये हमारे भैया हैं जो आके आए हैं, और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, केक की तैयारी हो रही है। भैया हाँ जी, तो ऐसे में लीजिए आड़े में, कोई बात नहीं, फोन को ऐसा यादगार बटन रहेगा मेरा। देखो 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 चिको 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 निकाल, अच्छा लो ये निकाल लो, ठीक है लो निकाल लो। चाकू बनाऊं कैसे? हाँ इससे ही बना लो सर, यही सही रहेगा बेटर। ये हमारा चाकू तैयार हो गया है हमारा। देखो चिको को वो केक काटेंगे, केक कटने वाला है। देखो चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लाल की हसीन वादियों में सर का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी तुम भैया बनाओ, देखो अरे अपन, अरे वाह, हेलो 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 हेलो, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपकी लंबी उम्र हो। ऐसे सेल्फी लिया तेरे को, ऐसे ऐसे हाथ में रख के, अल्टीमेट बर्थडे फोटो लीजिए। ना जो और पैकेज होता है बनाना है, फिर इसकी या कि नहीं होता कुछ ना मुझे। इस गोला को पकड़ के रख खुद, यहाँ रुक के बस फोटो बनाएंगे।
स्वागत नहीं आता हो।